अरे तूने मुझे छुड़वा दिया शेरू को। ये घर में लेके नीचे ये मैंने मसाला बनाया हूँ कल छाना जो वीडियो बंद कर पानी दो। पानी दू के ऊपर वीडियो तो मैं चालू रखूंगा मगर पानी भी दूंगा ऊपर। मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हो रहा हूँ यहाँ ऊपर। हे भगवान मेरी हालत खराब हो जाए। तो भैया अभी हो गई है सुबह, सुबह के बजे 7 और ऐसा सीन है कि अभी मुझे जो है क्या करना है, अभी आज बस हो गया आज काम फाइनली। अब आज जॉब वॉब के लिए देखना है, जॉब वॉब ढूंढूंगा। और फिर ये पगला देखो ऊपर चढ़ा है, किक किक कर रही, क्या हो गया इसको, सी सी कर रहा, क्या हो गया रे किसकी। थैंक यू। तो बस आज हो गया है काम, झंझट नहीं है। अभी मैं सोऊंगा पोछा लगाने के बाद में फिर से। चलो राधे राधे। भैया अभी लगभग 9:45 हो रहे हो और अभी मेरे पीछे मम्मी लगे हुए हैं मुझे एमसील लगाने के लिए, ऊपर छत पे भेज रहे हैं। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा एमसील लगाने के लिए। बाकी आज तो मैं दिन भर फ्री हो, आज कोई काम वाम नहीं लग रहा है, तो अभी नोट्स वगैरह सब बनाऊंगा, सब कुछ अरेंजमेंट करूंगा बढ़िया सा, और फिर अब पढ़ाई में लगूंगा कंटिन्यूसली। जॉब के लिए भी जाना है, बात करने के लिए, देखते हैं अब कब तक हो पाता है। चलो राधे राधे। ओम त्र्यंबकम यजामहिम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक्मि वंदना मृत्युर्मोक्षीय अमृता। ये गाना बज रहा है यहाँ पर, बाय। हेलो जॉब के लिए आया हूँ यहाँ पर, देखते हैं मिलती है क्या। अभी अभी का सीन ऐसा है कि मैं आया हूँ जॉब के लिए और रुका हूँ कंपनी के बाहर आकर बोलेंगे कि थोड़ी देर रुको, अगर हो जाएगा तो मैं तुम्हारा काम करा दूँगा, क्योंकि वहाँ पर बीएससी कंप्लीट वाले लग रहे हैं और मेरा है 2 साल कंप्लीट, 3रा साल बाकी है। तो इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी मैं मतलब सो के नहीं उठा हूँ, सुबह सो के मैं 6 बजे उठ गया था। 6 बजे उठने के बाद में थोड़ा तो काम वाम कराया, थोड़ी मम्मी चिल्लाए भी, उसके बाद में अभी मैं फ्री हुआ हूँ फाइनली। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं करने वाला हूँ अपना ये
वेट। कल शाम को मैं आया 7 बजे घर पे। हाँ 7 बजे टाइम पर आया घर पे, बहुत मम्मी की चिल्ला रहे थे। तो इसीलिए मैंने ना कुछ खाना खाया ना कुछ किया, मैं सो गया सीधा। बस ये हुआ कल, फिर सो गया और फिर अभी उठाओ 6 बजे। क्या करो यार, मतलब सोए तो ठीक है पर वो मतलब क्या खिड़की मतलब जो है ना बातें सुनो अच्छा नहीं लगता। एक बार अब बोलो ठीक है, मगर आप उसको किट अपना टेंशन जो स्ट्रेस ले लो, और स्ट्रेस लेके उसको दुनिया मतलब जो है उसको स्ट्रेस को जुबान पे लाओ। ये होता है टेंशन नहीं तो किट किट कोई से ना किसी को मन शांत होते घर में ना कुछ एकदम बेकार लगता है। चलो खैर जो भी है, इट्स ना पर्सनल मैटर, आई डोंट वॉन्ट टू मेक पब्लिक। तो वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। अभी समय हो रहा है 7:07:16, लेट्स सी आज के इसमें कितना टाइम लगता है। कल जॉब के लिए भी गया था, देखा था 2-3 जगह पर गया था जॉब के लिए। एक तो IDFC स्कूल में गया था, IDFC स्कूल में आपको क्लर्क के लिए बोल रहे थे, बोले क्लर्क के लिए बताएगी। उसके बाद में फिर वहाँ से मैं गया था ऑरेंज सिटी अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, तो वहाँ पर गया था। वहाँ पर हुआ नहीं, मतलब मेरी दोस्त ने बात किया था, एक दोस्त ने मेरे बात किया वहाँ पर। तो वहाँ पर कह रहे थे कि दोस्त मतलब आया नहीं, लड़का आया नहीं था अंदर, तो मुझे भेज दिया। तो वो कह रहे थे कि जब वो लड़का आएगा तभी मुझे अंदर ले, तभी बात हो रही थी। उसके पड़ोस वाली एक कंपनी थी, उसके पड़ोस में एक कंपनी थी, क्या नाम था, आदित्य डोर्स एंड डोर्स वगैरह करके कुछ था। हाँ तो वहाँ पर मैंने मतलब पहले तो वहाँ पे ATP हेल्पर का काम था, दूसरा था मतलब पहले वो वहाँ पे उसमें तो मतलब एकदम वो लेबर का ही बोल सकते, लेबर नहीं मशीनिस्ट का था, मतलब मशीनिस्ट बोल सकते हो, मतलब हफ्ते भर कभी कभी सफाई का काम रहता है वहाँ पर, क्लीनिंग का मतलब पूरा जहाँ पर वो मतलब रहता। क्या होगा, एक कंपनी थी वो सेल्युलोज पाउडर से मतलब वो बनता है, क्या नाम है अपना, पेपर जो रहता है ना पेपर का, वो पहले यूज़ होता है वो सेल्युलोज पाउडर पेपर बनने के पहले, तो वो बनाने का काम था। और बाकी दूसरा था, फिर मैं गया था वह डायरेक्टली मैं HR वाले डिपार्टमेंट में चला गया था, वहाँ पर जाके बातचीत किया, तो लकीली वहाँ पर बातचीत भी हो गई। और उसके बाद में सर ने मुझे जो है अपना फॉर्म दिया एप्लीकेशन का कंपनी का, और एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ ना मुझे अपना ये भी दिए, क्या नाम है, एक टेस्ट भी दे दिया मुझे। मतलब ऐसा होता है कि कंपनी जैसा करती है हर कंपनी का, मैंने देखो हल्दीराम में गया था तो भी हुआ था, यहाँ पर भी हल्दीराम में वहाँ पर जबकि सिक्योरिटी का काम था सिक्योरिटी गार्ड का, बट वहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड के काम में भी वहाँ पर मुझे टेस्ट पेपर दिए थे, ये सॉल्व करो, उसमें कुछ कुछ मतलब छोटा बहुत छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, तो वो थी सिक्योरिटी सिलेक्टेड इसमें। तो ये तो कल जो मैंने टेस्ट दिया इसमें तो मोलैलिटी नॉर्मेलिटी और फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह का भी पूछा गया था, पीरियडिक टेबल के बारे में पूछे थे, कई सारे क्वेश्चन दिए मैंने जो मुझसे अपना बेस्ट पॉसिबल आंसर दिया। बाकी फिर उसके बाद में फिर वही उसी चक्कर में 4 बजे गए सर, मतलब मेरा तो हो गया था 3 बजे तक पूरा कार्यक्रम, मगर वो सर जो है 4 बजे गए मतलब 3 बजे वो सर लंच पे चले गए थे, 3:30 बजे। तो फिर मैंने मतलब जो है पेपर दिया, पेपर देने के बाद पता चलता कि सर लंच पे चले गए थे, लंच पे चले जाने के कारण मेरा फ़ोन उनके पास ही था जिसमें मैं कुछ वीडियो भी नहीं बना पाया। फिर लंच पे चले गए और फिर मैं वहाँ से मतलब फिर मुझे 4:30 बजे ही टेपर आया हूँ, तो वहाँ से निकला मैं। फिर पेपर वेपर दिए, बोले बताएगी कल शाम तक, मतलब आज शाम तक के बताएगी, तो ऐसा हुआ। बाकी देखते हैं क्या होता है। दूसरी फिर तीसरी कंपनी थी वो कौन सी थी, वो यार नाम तो अच्छा था, मतलब वो कपिलांश धातु लिमिटेड ऐसा कुछ था, हाँ धातु प्राइवेट लिमिटेड, तो वो था। वहाँ पर भी मैं तो लेट हो गए थे इनके चक्कर में, सर के चक्कर में लंच पे चले गए थे, इसलिए मैं 4:45 बजे टाइम पर पहुँचा, तो इसीलिए उन लोगों ने मुझे नहीं लिया, कहे कि छुट्टी का टाइम हो गया आप कल आइएगा। फिर इसीलिए आज मैं देखूंगा, आज जाऊंगा, देखते बाकी क्या होता है। चलो राधे राधे।